अब बात धर्म संसद की कर लेते हैं। आज से प्रयागराज में वीएचपी की धर्म संसद हो रही है। वीएचपी की धर्म संसद में राम मंदिर बनाने को लेकर रणनीति तय होगी। वीएचपी की धर्म संसद के पहले दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव ने धर्म संसद को संबोधित किया है। आज वीएचपी की धर्म संसद से पहले राम मंदिर पर साधु संतों में दोफाड़ हो गई, क्योंकि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से उनकी जो धर्म संसद लगाई गई थी कल परम धर्म संसद, उसमें ये बोला गया कि राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान हुआ और ये बताया गया कि 21 फरवरी से अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास शुरू भी कर दिया जाएगा उनके समर्थकों की तरफ से। वहीं वीएचपी को आरएसएस का साथ मिल रहा है और वही रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है राम मंदिर पर, तो लगातार इसमें साधु संतों के बीच में ही मतभेद देखने को मिल रहा है और सियासत देखने को मिल रही है। तो एक तरह से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है धर्म संसद को लेकर। विशिष्ट आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और शताब्दियों से वहां अय्यप्पा जी की भक्ति करने वाला जो भक्त वृंद है उसकी माता भगिनियों की उसको स्वीकृति है। 70,000 महिलाएं एक व्हाट्सएप ग्रुप पर है जो कहती है कि हमको ये मंजूर है, हम रुकने के लिए तैयार है। ये तो एक विशिष्ट मंदिर की परंपराओं का प्रश्न है जिसको हमारे संविधान ने पूरी सुरक्षा दी है, लेकिन आनंद फानंद में ऐसा निर्णय आया क्यों? फिर निर्णय आया, उसका निर्णय पत्र पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी भी बातें कही गई है कि भाई भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है और मंदिर ये एक पब्लिक प्लेस है, इसलिए वहां हम सब नियम लागू कर सकते हैं। उसकी परंपराओं का प्रश्न कहां है? ऐसा कहा है भाई, सब पंथ संप्रदायों के धर्मस्थल, उसमें सब लोग आकर दर्शन कर सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन वो पब्लिक प्लेस नहीं, उस संप्रदाय का एक स्थल है, वो उसकी अपनी परंपरा रहती है, उसका अपना अनुशासन रहता है। लेकिन देश भर के करोड़ों बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान इससे आहत होगा, ये विचार कोर्ट ने किया नहीं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम अपने जीवन की आहुति अर्पित करने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर भी बनना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण, उसके साथ चरित्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, ये ध्येय है हम संतों का। मंदिर एक जगह तो बन नहीं जाएगा, मंदिर बनने में समय लगता है, लेकिन अगर प्रारंभ में नहीं होगा तो कभी भी होगा, तो उसको प्रारंभ करने के लिए पहले शिलान्यास की आवश्यकता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपना एक शास्त्रीय संस्कार जो शिलान्यास है वो करने के लिए चाहते हैं। तो तमाम संतों की बात आपने सुनी। राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास से इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में धर्म संसद की आज शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत से मुलाकात होती है, बड़े बड़े संतों से मुलाकात होती है। सवाल ये है कि आखिर मंदिर कब बनेगा। हम बात करते हैं नृत्य गोपाल दास जी से, जो कि मंदिर आंदोलन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। महाराज जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मंदिर कब बनेगा। अभी आज जो धर्म संसद की बैठक हो रही है, हम उसमें जाएंगे, लोग क्या निर्णय लेते हैं, क्या विचार रखते हैं, वह सारा विचार और निर्णय आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। कल परम धर्म संसद का आयोजन किया गया था, स्वरूपानंद सरस्वती ने भी बहुत सारे महात्माओं को बुलाया था, उसमें उन्होंने 21 फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया। उनका ये कहना है कि हमारे लोग यहाँ से शिलाएं लेके जाएंगे और वहां से विधि विधान से शिलाओं को जो है वहां स्थापित करने का। सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। अयोध्या जी आने वाले, मंदिर निर्माण के लोग आगे बढ़ने वाले जो भी महापुरुष हैं,
हम हृदय से सबका स्वागत करते हैं और जो भी करते हैं उसको स्वीकार करते हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत हुई मंदिर निर्माण को लेकर? अभी मुख्यमंत्री जी हम बाहर से आए, बीच में हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए केवल स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, कैसा स्वास्थ्य है केवल इसके लिए ही आए, कोई वार्तालाप नहीं हुई। देखिए नृत्य गोपाल दास जी बहुत दिनों से मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बड़े ही सोच और समझ के साथ अपनी बातें कर रहे हैं, रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद, सरकार, बीजेपी, ये तीनों दबाव में है और इनको निर्णय लेना होगा। अविनाश के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, ये सब तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन वीएचपी और आरएसएस की तरफ से रणनीति क्या निकलकर सामने आती है राम मंदिर के मुद्दे पर, ये भी अहम देखना होगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं आप, प्रोफेसर डॉक्टर जीविया शास्त्री साहब मौजूद हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज मौजूद हैं, हिंदू महासभा प्रेसिडेंट, इसके अलावा अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हरिशंकर जैन हमारे साथ मौजूद हैं, आप वीएचपी के लीडर हैं और एडवोकेट भी हैं, लगातार इस मुद्दे को कवर करते हुए आ रहे हैं, 28 सालों से इस मुद्दे को देखते आ रहे हैं। आपके पास, आप सभी लोगों के पास आपका सबका स्वागत है। आपके पास मैं लौटूंगी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बस ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। मुद्दे पर लगातार सियासत तेज होती जा रही है, हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि धर्म संसद बैठी है प्रयागराज में और प्रयागराज में वीएचपी और आरएसएस से जुड़े समर्थक वहां पर मौजूद है। धर्म संसद इसीलिए क्योंकि राम मंदिर को लेकर बड़ा मुद्दा है और राम मंदिर को लेकर क्या रणनीति होगी ये भी आगे साफ होगा इस धर्म संसद के जरिए हम चर्चा करेंगे। तमाम खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मौजूद है, सीधे प्रयागराज चलते हैं। अरविंद, इस वक्त क्या हो रहा है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस धर्म संसद से? देखिए इस समय धर्म संसद समापन की ओर है। आज पहले दिन बहुत सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए अलग अलग मुद्दों को लेके। जिस तरीके से मोहन भागवत ने सबरीमाला मंदिर को लेके अपना विचार व्यक्त किया, कल सिर्फ राम मंदिर को लेके चर्चा होगी जिसमें बहुत सारे साधु संत भाग लेंगे। लेकिन आज बहुत सारे रणनीति पे काम किया गया, बहुत सारे साधु संतों को कोऑर्डिनेट किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में काफी समय दिया। मैं आपको बता दूं कि 1.5 घंटे तक योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से मुलाकात की, उसके अलावा 3 महत्वपूर्ण संतों के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, उसमें नृत्य गोपाल दास, अवधेशानंद महाराज और नरेंद्रानंद सरस्वती, ये 3 महत्वपूर्ण लोग थे जिनके साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। और ये मुलाकात बहुत अहम कही जाएगी क्योंकि इसको हम रणनीति के तहत देखते हैं। अब कल यहाँ पर साधु संत सारे के सारे लोग इकट्ठा होंगे और कल सिर्फ राम मंदिर को लेकर चर्चा होगी, इसमें आने वाली अड़चनों को लेकर चर्चा होगी। और ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कल आखिर विश्व हिंदू परिषद के इस स्टेज से पूरे देश को क्या संदेश दिया जाता है, क्या किसी तारीख की घोषणा होती है, क्या सरकार पे दबाव डाला जाता है। सवाल यह है कि अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में लोगों के मन में शक न हो कि भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार राम मंदिर नहीं बनाना चाहती। बिल्कुल अरविंद, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह की रणनीति तय होती है इस मंच से जो कि वीएचपी ने धर्म संसद लगाई है। आपके पास दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है। आज का जो धर्म संसद का जो पूरा लब्बो लुआब है या कहें कि समरी जो निकली वो क्या निकली और इससे क्या निकलकर आया देश में, अब संदेश क्या जाएगा, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। हरिशंकर जैन, शुरुआत मैं आपसे करूंगी। आप हिंदू महासभा के 28 साल से वकील हैं और जो कि एक पक्ष भी रहा है इस मुद्दे पर। ये बहुत अहम है क्योंकि मोहन भागवत सबरीमाला मुद्दे पर कहते हैं कि अगर कोर्ट की इजाजत है कि महिलाओं को प्रवेश करना चाहिए तो ये इजाजत दी जानी चाहिए, इसका मतलब वो कोर्ट के निर्णय को मान रहे हैं। तो जब अभी कोर्ट में है सारा मामला राम मंदिर से जुड़ा हुआ, तो उससे पहले ही इस तरह स्वरूपानंद सरस्वती का बोलना कि 21 फरवरी से कूच किया जाएगा और शिलान्यास किया जाएगा, इसका क्या मतलब है? थोड़ा रुकना तो चाहिए ना, इंतजार तो कीजिए कोर्ट के फैसले का। देखिए, कोर्ट कचहरी, कानून, संसद सब जनता के लिए बने हैं और जनता के आशाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करना ये सबका दायित्व है। जो केंद्र सरकार, चुनी हुई सरकार है, जो जनता के वोट पर आई है, उसका पहला दायित्व है और पहली ड्यूटी है कि वो जनता की मनोकांक्षा को पूरी करे। आज हिंदू जनता जग रहे कि वहां से राम मंदिर का निर्माण हो। जो एक एक दिन जितनी देरी हो रही है उतना राष्ट्र का नुकसान हो रहा है
और मैं समझता हूँ कि मंदिर बनने किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। जहाँ इतनी देरी हुई है वहाँ कोर्ट का इंतजार कर लीजिए। 500 साल से हम लोग तड़प रहे हैं, 500 साल से अन्याय सहा है, अब अन्याय की इंतहा हो चुकी है, अब सहना नहीं चाहिए। तो आप कानून तो हाथ में नहीं लेंगे ना अपने? मैंने आप सभी ये रिक्वेस्ट किया कि कानून जनता के लिए बना है, जनता कानून के लिए नहीं बनी है। अगर जनता की मनोकांक्षा है कि वहाँ श्री राम मंदिर बने, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत अध्यादेश लाकर वहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू करे। आखिर कोर्ट कचहरी क्या है? कोर्ट कचहरी संसद की दी हुई शक्ति से चलती है, आज संसद चाहे तो शक्ति को ले सकती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर मोदी सरकार ने इतने दिन हो गए, 5 साल 4 साल। आप चाहते हैं कि अध्यादेश लाकर इस पर तुरंत निर्माण कार्य शुरू किया जाए। सत्र शुरू हो चुका है। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, आप संत महासभा से प्रेसिडेंट हैं। चक्रपाणी जी महाराज, आपको क्या लगता है कि संत अगर पूरी तरह से घोषणा कर देंगे कि भाई 21 फरवरी से कूच करेंगे और शिलान्यास की तैयारी कर देंगे, राम मंदिर बनकर रहेगा लेकिन तारीख किसी को नहीं बताएंगे, ये क्या तरीका है? आप बताइए कि एक सम्मान होना चाहिए कोर्ट का, क्या आप उसे भी सम्मान नहीं करना चाहते? आप बिल्कुल थक हार चुके हैं, अब आप सोचते हैं कि जो है वो निर्णय आप ही लेना चाहते हैं। निधि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ, अभी हमारे हमसे पहले जो हमारे हरिशंकर जैन जी अधिवक्ता हैं, वो बहुत विद्वान हैं और कानून के जानकार हैं। आप ही जरा देखो कि जब उनके तक सर्व की बात जो है टूटती जा रही है, आज पूरे देश की सब्र की बात टूट रही है। सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक, 50-60 सालों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या राम मंदिर के लिए, विशाल मंदिर बनाने के लिए लड़ी गई, उसमें भी जब रामलला के पक्ष में निर्णय आया तो एक हिस्सा मुस्लिम पक्षकारों को दे दिया गया, यानी कि जजमेंट नहीं सेटलमेंट किया गया। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब अपील किया गया तो उसमें भी 8-9 साल के बाद अभी तक बेंच तक नहीं बन पाया है। तो इस तरीके से तो सैकड़ों साल चलेगा और हम हिंदू समाज जो है हाथ में हाथ रख करके बस देखता रहेगा, कभी सरकार बनाएगा कभी गिराएगा और इसके नाम पर राजनीति होती रहेगी। अब देखिए मोदी सरकार भी बनी इसी नाम पे कि आएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे, गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ? आज देखो वही आज उसी की बात पे हम बैठे हुए हैं, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका एक निर्णय सरकार की तरफ से आज अभिभाषण में भी राष्ट्रपति के किसी भी तरह से कोई रूपरेखा नहीं दिखी राम मंदिर को लेकर। तो आरोप है संत समाज का, आपके पास मैं लौटूंगी, आरोप है संत समाज का कि सरकार और कोर्ट बेरुखी कर रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज प्रयागराज में संतों की संसद लगी, जी हां, और इसमें वीएचपी मौजूद थी, आरएसएस मौजूद थी, आरएसएस प्रमुख मौजूद थे, उन्होंने वक्तव्य भी दिया। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर, कि आखिर वीएचपी और आरएसएस की रणनीति क्या है, आगे क्या फैसला लिया जाएगा। बहरहाल आज का जो दिन था वो तो समाप्त हुआ, कल फिर दोबारा से तमाम संत बोलेंगे, तमाम नेता बोलेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है राकेश त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब, आपसे सवाल है, क्योंकि संत समाज पूरी तरह से नाराज है, निराश इसलिए क्योंकि आपकी तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई इन 5 सालों में। ऐसे में अब आपकी क्या रणनीति होगी? क्या आपको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा संत समाज की नाराजगी का? क्या क्योंकि आज अगर हम अभिभाषण पर नजर डालें तो एक भी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी कोई प्लानिंग ही नहीं है सरकार के भीतर राम मंदिर को लेकर। इस बात को लेकर के आक्रोश जरूर है कि अब तक इस पूरे मामले का निपटारा जो हो जाना चाहिए था वो बार बार अलग अलग प्रकार से बाधित किया जा रहा है। सभी पूरा हिंदू समाज चाहता है, सभी साधु संत चाहते हैं, सभी अखाड़े चाहते हैं, सभी महामंडलेश्वर चाहते हैं कि रामलला विराजमान जहां पर है, और संत समाज तो ये भी कह रहा है कि कोर्ट की तरफ से भी बेरुखी है, डिले होता जा रहा है कोर्ट की तरफ से भी, इस पर फैसला जल्द आना चाहिए। ये बात सही है, ये बिल्कुल निधि जी बिल्कुल ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस बात को कहा था कि हम इस पूरे मामले की डे बाय डे हेयरिंग करना चाहते हैं। डे बाय डे हेयरिंग शुरुआत होने से पहले ही कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं, इस पूरे मामले की 2019 के बाद सुनवाई हो या दलील लेकर की अपील करते हैं कोर्ट से, और कोर्ट खुद इस मामले को कहती है बाद में कि हमारे लिए प्रायोरिटी का इश्यू नहीं है। और जिस तरह से कोर्ट ने इस पूरे मामले को अलग अलग समय पर लिंगर ऑन करने का काम किया है, उसके कारण साधु संतों का नाराज हो जाना, उनका रोष व्यक्त करना, यह बहुत वाजिब है। लेकिन हम फिर भी संविधान की परिधि के दायरे में अपेक्षा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का जल्द से जल्द निपटारा करे। बच्चों की भारतीय जनता पार्टी
सरकार के रहमान साहब जो हमारे साथ करना चाहिए वो सारे काम ठीक है। त्रिपाठी जी आपके पास लौटूंगी। आपने कहा है कि कोर्ट जल्द से जल्द इस पूरे मामले की कार्रवाई करे, लेकिन डिले हो रहा है। 29 जनवरी को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन जस्टिस बोबडे लीव पर चले गए, इस वजह से सुनवाई भी टल गई। हमारे साथ अतिकुर रहमान साहब हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, और आपने बहुत नजदीक से देखा है इस पूरे केस को। अतिकुर रहमान साहब, आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे यहां पर? जिस तरह से धर्म संसद हो रही है, संत समाज लगातार इस बात का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है इसको लेकर, आपका स्टैंड क्या है? देखिए त्रिपाठी जी बिला वजह मामले को घुमा रहे हैं। त्रिपाठी जी से मैं ये पूछना चाहूंगा बहुत ही विनम्रता से कि कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है, हमने देखा, लेकिन आपकी सरकार ने चार साढ़े चार साल में त्रिपाठी कुछ भी नहीं किया अयोध्या को लेके, राम मंदिर को लेके। अब आप पूरा इल्जाम कोर्ट पे दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आप लोग झूठ बोलते हैं। कभी भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला नहीं आया है कि डे टू डे हियरिंग होगी और इसके ऊपर बहस जरूर हुई। रहमान जैसे लोग डे टू डे हियरिंग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मामला थे, इतना उलझा हुआ मामला है कि डे टू डे हियरिंग नहीं थी। बहुत ही विनम्रता के साथ त्रिपाठी साहब पूछा जा रहा है आपसे, हम वेट कर रहे हैं क्या होगा इसका। अगर दो चीज मैं ये बताना चाहूंगा। हाँ हाँ पूछे अतिकुर रहमान साहब बोलिए जी के देखिए हमने भारत में आजादी लेने का हमारा मकसद ये था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए थे, बहुत धार्मिक लोग थे, सारे के सारे लोग जानते थे कि हिंदुस्तान 99% धर्म को बहुत ऊंचा दर्जा देता है। उसके बावजूद उन्होंने चुना कि ये भारतवर्ष हिंदू नेशन बनने नहीं जा रहा है, बल्कि एक सेक्युलर नेशन बनने जा रहा है। आज अगर हम ये कोशिश करें कि इसको हम एक धार्मिक नेशन बनाना चाहेंगे तो हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था टूट जाएगी, बिखर जाएगी। नहीं नहीं ठीक, आप एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। हाँ, तो रहमान साहब ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये जमीन को लेकर है। टाइटल सूट का मामला है कि ये जो जमीन है वहां पर पहले क्या था, ये मंदिर को लेकर जो लड़ाई है सामने है, और इसी वजह से त्रिपाठी जी आपको ये सवाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इसका फैसला आने दीजिए, यहाँ पर लड़ाई हम लोग समझना चाह रहे हैं, अयोध्या में कर रहे हैं, वो धर्म और कानून के बीच की लड़ाई हो जाती है। यही मैं कह रही थी कि कम से कम संतों को फैसले का तो इंतजार करना चाहिए ना। जब कोर्ट में है मामला, रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि जब कोर्ट में है मामला, मैं चाहता हूं कि कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के शुरुआत में ये कहते हैं कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। जब सरकार का जो सबसे बड़ा नुमाइंदा है वो कह रहा है तो फिर आपको इंतजार करना चाहिए ना संतों को भी। चक्रपाणी जी देखिए, निधि जी दो बातें, मैं एक तो अतिकुर मैं आऊंगी आपके पास, चक्रपाणी जी ऐसा है, सवाल इस बात का है कि इंतजार की एक सीमा होती है, आखिर कब तक जी, आखिर इंतजार कब तक करें। सवाल इस बात का है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में थे उस समय हम लोग मिले थे प्रतिनिधिमंडल, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था कि जी पूर्ण बहुमत की जब सरकार होगी तो निश्चित रूप से, आज नहीं है। अब पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी, इसी आशा विश्वास पे दिया गया, समर्थन दिया गया, पूरे देश के लोगों ने दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। लेकिन आप ये देख तो साढ़े चार साल नहीं 5 साल हो गए, और होने को है 2 महीने बाद आप राम के दर्शन करने 4 साल तक अपने मैनिफेस्टो में तक त्रिपाठी जी आपकी सरकार कदम उठा सकती थी। त्रिपाठी जी क्या करेंगे, संतों को जवाब ले लेते हैं, विश्वास दिला सकती थी, कुछ कमिटीज बन सकती थी, कुछ लोगों को लाया जा सकता था। त्रिपाठी जी जवाब ले लेते हैं, जा रहे हैं टीवी पे वही बहुत है, नहीं तो वास्तव में सच्चाई है। त्रिपाठी जी क्या करेंगे बेचारे, काम तो सरकार को करना है, सरकार जवाब भी ले लेते हैं, मामले में निकम्मी साबित हुई है। चक्रपाणी जी, अतिकुर रहमान जी जवाब भी ले लेते हैं, त्रिपाठी जी कोई बेचारा नहीं है, कोई बेचारा नहीं है। चक्रपाणी जी, त्रिपाठी जी आप बताइए, 4.5 साल तक मैनिफेस्टो में तक इसकी रूपरेखा नहीं बताई गई, लगातार इस बात की मांग उठती रही कि आप राम मंदिर को लेकर बताइए, अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आखिर बीजेपी या एनडीए सरकार चाहती क्या है, क्या इसको लेकर रूपरेखा होगी। हालांकि मामला कोर्ट में है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोर्ट से ऊपर है सब, लेकिन कम से कम आपकी सरकार को क्लियर तो करना चाहिए ना कि करना क्या है आपको।
इस मुद्दे को लेकर करना क्या है, जो 70 साल पुराना मुद्दा है, आपका स्टैंड क्या है, आप क्या चाहते हैं? नहीं, आप देखिए मोहन भागवत जी ने कह दिया कि अध्यादेश, मोहन भागवत जी ने कह दिया मंदिर बनाओ, संघ विश्व हिंदू परिषद चिल्ला रहा है मंदिर बनाओ, सभी हिंदू संघ चिल्ला रहे हैं, अब देखो हरिशंकर जैन जी बीजेपी के, उन्होंने भी आज तक कहा कि अध्यादेश लाना चाहिए। सवाल इस बात का बीजेपी को आखिर क्या हो गया है, केंद्र की सरकार क्यों नहीं अध्यादेश ला रही है, क्यों नहीं हिंदू भावनाओं का सम्मान कर रही है? अब आप जवाब लेने दीजिए, आप लोग एक मिनट शांत रहेंगे तब तो जवाब देंगे। आप जवाब सुन लीजिए, बताइए। देखिए निधि जी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है। 1989 में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिवेशन में जो बात कही थी, हम रंच मात्र से पीछे नहीं हटे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि जहां पर रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है, और जो राम जन्मभूमि है वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, कानून की परिधि के दायरे में, संविधान की परिधि के दायरे में। तरह खिलाफ किया है और आपकी पार्टी ने किया। देखिए 2010 में 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ से फैसला आता है और उस फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती है। 2010 से लेकर के 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने एक पेज भी ट्रांसलेशन का काम सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं किया है। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने सारे दस्तावेज जो थे उन दस्तावेजों का ट्रांसलेशन करा के सुप्रीम कोर्ट में जमा करके भारत सरकार के वकीलों ने लगातार इस संदर्भ में प्रयास किया। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। आपने कहा था कि कानून बनाएंगे, कानून बना के राम मंदिर बनाएंगे, ट्रांसलेशन तो 2010 में स्टार्ट किया है। देखिए ट्रांसलेशन हो रहा है, खुद पत्रकार हूं, 2010 में 40 दिन में हमने कितनी बड़ी विडंबना, क्या बातें कर आपकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है, कर रहे हैं बिना राज्यसभा के बहुमत के। ट्रांसलेशन कराने के लिए सरकार कांग्रेस पार्टी से समर्थन दिलवा दीजिए, आपने किया था। एक मिनट चुप रहिए चक्रपाल जी, आपकी राम मंदिर पूछ रही हूँ कि अगर सपोज अगर अगर चुनावों से पहले अप्रैल मई से पहले कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता है तो क्या क्या कानून का रास्ता खुला होगा? यहाँ पर बीजेपी क्या सोचती है? त्रिपाठी जी अब जवाब दीजिए। चक्रपाणी जी आप ही की बात को मैं आगे आगे लेकर जा रही हूँ। कानून का रास्ता जी, देखिए निधि जी, कानून का रास्ता कभी भी बंद नहीं है, कानून का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जितना आरोप भारतीय जनता पार्टी पर चक्रपाणी जी लगा ले रहे हैं वो आरोप जरा कांग्रेस पार्टी से पूछे। कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, टीएमसी या जितने भी तमाम तरह के राजनीतिक दल हैं, इनमें से कोई एक भी राजनीतिक दल कांग्रेस शास्त्री साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये बहस दर बहस चलती रहेगी और सवाल दर सवाल चलता रहेगा, राम मंदिर कब बनेगा, तारीख कब बताई जाएगी, कोर्ट से फैसला कब आएगा, ये तमाम बातें चलती रहेंगी। और एक बात और, सियासत भी होती रहेगी जो आज प्रयागराज में हो रही है, चाहे वो संतों की सियासत हो या नेताओं की सियासत हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला, ये बात इन्होंने कहा था, ये सिविल सूट की तरह हम ट्रीट करेंगे, ये टाइटल डिस्प्यूट की तरह सुनवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कोई याचिका तो जाहिर नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा ये मंदिर का मामला है, क्यों रिपिटिशन उस टाइम पर दाखिल कर सकते थे? ये कह सकते थे ये साधु संतों का मामला है, हिंदुओं का मामला है, ये नजर इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये करना चाहिए करके एक रिपिटिशन डाल सकते थे, और डे टू डे सुनवाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक रिक्वेस्ट रिपिटिशन डाल सकते थे। तो यहां तो आरोप यही तो लगा रही है संत समाज की गंभीरता नहीं है सरकार में। और अभी प्रेम नहीं प्रधान है, नहीं सुन लीजिए, निधि जी सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ शब्दों में ये कहा हम ये कानून की प्रक्रिया जो कहेंगे वही करेंगे, इसका मतलब उन्होंने टाइटल सूट मान लिया है, उनको टाइटल सूट पता मान गया और सुप्रीम कोर्ट की जो
जो भी कार्रवाई उसी हिसाब से चलेंगे। और अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट तक भी नहीं डाला केंद्र सरकार ने, ठीक है, क्योंकि तभी तो ये बात उठी कहां से। आप लोग हाथ में हाथ तमा करे, वो कपिल सिब्बल कड़ा हो गया, वो कड़ा हो गया, अरे एक कड़ा आप कड़ा नहीं हो पाया। सरकार की बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। बात सही कही जा रही है। अगर जब प्रधानमंत्री एक्शन कमेटी इस पूरे मामले को लिंगर ऑन करने का काम कर रही है, प्रधानमंत्री क्लियर कर देते हैं प्रचंड बहुमत की। ठीक है, मेरे पास समय इतना था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का। बहरहाल बहस को लेकर कोई स्पष्टता नहीं सामने आ पाती है कि तमाम लोगों की राय जुदा होती है, तमाम तरीके की बातें सामने आती है, लेकिन ये बात सच है कि प्रयागराज में संतों की लगातार सभाएं हो रही हैं, धर्म संसद बैठाई जा रही है इस मुद्दे पर कि राम मंदिर कब बनेगा और राम मंदिर को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए। बहरहाल सरकार क्या फैसला लेती है ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में है, ये सब बातें कोर्ट में है और कोर्ट के जुरिडिक्शन के आगे कोई आगे नहीं है, कोई सर्वोपरि नहीं है। तो ये देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से आगे क्या रहता है इस पूरे मामले